अजीज नाजरीन, आज हम उर्दू अदब की एक दिलचस्प सिंफ ड्रामे के बारे में बात करेंगे। ड्रामा उर्दू अदब में एक ख़ास अहमियत का हामिल है। उर्दू ड्रामे की इब्तदा अवध से होती है। आखिरी ताजदार अवध वाजिद अली शाह खुद भी फन ड्रामा का अच्छा ज़ौक रखते थे, लेकिन उनके अहद में आगा हसन अमानत ने इंद्रसभा के नाम से बड़ा मशहूर मारूफ ड्रामा लिखा। इंद्रसभा ही वो ड्रामा है जो उर्दू में नक्श अव्वल है। सल्तनत अवध के खात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने ड्रामे को मज़ीद फ़रोग दिया। इस वक्त तक ड्रामे सिर्फ सैर व तफरीह का सामान थे। आज़ादी के बाद रंग व आहंग बदला और उर्दू ड्रामे कुछ ख़ास मकासद के तहत लिखे और स्टेज किए जाने लगे। इनमें सियासी, अदबी और कारोबारी ड्रामे शामिल थे। फिर स्टेज ड्रामों का भी रंग बदला और मुख्तलिफ तजर्बों ने उसके हुस्न आफरीनी में मज़ीद इजाफा कर दिया। बकौल जमील जालवी, तख्लीक हुस्न के इजहार का नाम आर्ट यानी फ़न है, और फ़न का ये इजहार अंदरूनी होता है। रूह के अंदर उतर जाने वाली असर आफरीनी जितनी शदीद होगी, फ़न बहसियत फ़न उतना ही बेहतर होगा। लफ्ज़ ड्रामा की असल यूनानी है। इस ज़बान में ड्रामे के माना हैं करके दिखाना। गोया यूनानियों के नज़दीक ड्रामे का सबसे बड़ा इम्तियाज़ और बुनियादी अंसर ये है कि जो कुछ लिखा जाए उसे करके दिखाया जाए। अरस्तु ने इसे अमल की नकल कहा है, यानी किसी भी हादसे, वाक़े या जज्बे की नकल करना और उस नकल को अमली तौर पर पेश करना। इस नकल की पेशकश के लिए स्टेज का होना ज़रूरी है। इब्तदा में अरस्तु ने ड्रामे के 6 अनासिर कायम किए थे, जो बिलतरतीब नंबर 1 कहानी, नंबर 2 किरदार, नंबर 3 अल्फाज, नंबर 4 ख्याल, नंबर 5 आराइश और नंबर 6 मौसिकी हैं। इन अनासिर के बाद अरस्तु ने प्लॉट की अहमियत पर काफ़ी ज़ोर दिया है। प्लॉट चूंकि ड्रामे के तसलसल को बरकरार रखता है, इसलिए ये काफ़ी अहम हो जाता है। कारी, सामे या नाजरीन का जहन पढ़ने, सुनने या देखने के दरमियान किसी मरकज़ी ख्याल पर मुर्तगिज करने के लिए ड्रामे में प्लॉट, कहानी का मरकज़ी ख्याल, आगाज़, किरदार व सीरत निगारी, मुकालमा, तसलसल कशमकश और तजब्ज़ुब, तसादुम, नुक्ता उरूज यानी क्लाइमेक्स और आखिर में अंजाम वगैरह अज्जा का होना अशद ज़रूरी है। यहाँ एक सवाल किया जा सकता है कि जब ड्रामे का फ़न करके दिखाने का अमल है, तो इसमें कारी और सामे का जिक्र क्या महल रखता है? इस सवाल का जवाब ज़रा तफसील तलब है। सबसे पहले हम ड्रामे और सामे के ताल्लुक़ पर तवज्जो देंगे। ड्रामा इंद्रसभा के बाद पारसी थिएटर ने उर्दू ड्रामे की रिवायत को जिंदा जावेद कर दिया। इस थिएटर ने आगा हशर काश्मीरी की शक्ल में हमें एक अजीम फनकार अता किया, जो बजा तौर पर हिंदुस्तान में शेक्सपियर का हमपल्ला है, गरचे दोनों की हैसियतें मुख्तलिफ हैं। यह भी सच है कि इंद्रसभा को उर्दू ड्रामे का आगाज़ और पारसी थिएटर को उर्दू ड्रामों का अख्तितामिया कहना बेजाना होगा। अलबत्ता रेडियो से पहले जो ड्रामे लिखे गए, ये स्टेज ड्रामे ही थे। स्टेज ड्रामे के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि उर्दू के दामन में स्टेज बहरहाल आज भी मोहताज तारुफी है, लेकिन ये शिकायतें रेडियो की दुनिया में आकर न सिर्फ ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि पारसी थिएटर के बाद उर्दू में रेडियाई ड्रामों का आगाज़ अपने पूरे आबोताब के साथ शुरू हुआ और अपने मेराज कमाल तक जा पहुँचा। रफत शरोश ड्रामे से रेडियो ड्रामे तक के सफ़र को इस तरह याद करते हैं। 1936 में जब रेडियो ने अपने बालों पर खोले, तो पारसी थिएटर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रेडियो ने मकसद ड्रामे आवाज़ के ज़रिए पेश करने शुरू किए। पहले तो मुखालफत हुई और कहा गया कि पारसी थिएटर के ड्रामे पूरे के पूरे रेडियो पर पेश किए जाएं। मगर रेडियो के पास इतना वक्त कहाँ कि तीन तीन चार चार घंटे के ड्रामे पेश करे। रेडियो ने अपनी रविश अलग इख्तियार की और ऐसे ड्रामे लिखवाए जो आवाज़ के ड्रामे कहे जा सकें। बहुत जल्द ये रविश मकबूल हो गई और रेडियो ड्रामे ने अपने सुनने वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। रेडियो टेक्निक में वो वसत है कि स्टेज के किसी भी ड्रामे को रेडियो में ढाल कर पेश किया जा सकता है, मगर बहुत से पेचीदा रेडियोई ड्रामे स्टेज पर नहीं पेश किए जा सकते, और ये स्टेज की तंगदामानी है। उर्दू ड्रामे की दो अहम किस्में हैं, स्टेज ड्रामे
اور ریڈیائی ڈرامے، اور خصوصیت کے اعتبار سے بھی ڈرامے کو دو قسم میں بانٹ دیا گیا ہے، ٹریجڈی یعنی المیہ اور دوسرا کامیڈی یعنی تربیہ۔ ریڈیو اور اسٹیج دونوں اپنی الگ الگ خصوصیات رکھتی ہیں، ان دونوں کے تقاضے اور متعلقات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسٹیج ڈرامے اپنے تمام محاسن کے باوجود اسٹیج کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ڈرامے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسٹیج ڈرامے میں ڈرامے کی اسکرپٹ کے علاوہ اسٹیج کی روشنیاں، پردے، آرٹسٹوں کی شکل و صورت، آرائش و زیبائش، میک اپ، لباس، پھر ناظرین کی پسند و ناپسند، ان کی تالیاں اور ان کے ریئیکشن وغیرہ بھی کامیابی اور ناکامی کے ضامن ہوتے ہیں۔ ان کی پسند و ناپسند پر اسٹیج کے فنکاروں کے حوصلے بلند یا پست ہوتے ہیں۔ جبکہ ریڈیو ڈرامے کی اہم خصوصیات مکالمے، موسیقی اور صوتی اثرات ہیں، جو یا تو کمپیوٹر یا انسانی آوازوں پر منحصر ہیں، کیونکہ یہاں دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈرامہ نگار کے الفاظ اور آوازیں ڈرامے کا پورا منظر تصوراتی طور پر سامعین کے سامنے لاتی ہیں۔ ڈرامہ نگار کے پاس صرف یہ دو ہتھیار ہوتے ہیں جسے ڈرامہ سامعین کے سامنے ایسے پیش کرنا ہوتا ہے گویا وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ منظر پیش کرنے میں ریڈیائی ڈرامہ نگار ناکام ہوتا ہے تو اس کا ڈرامہ محض ڈرامہ بن کر رہ جائے گا۔ ریڈیو کی آمد کے بعد ریڈیائی ڈرامے لکھے گئے، اور فلم کی آمد نے جب اسٹیج ڈرامے کی اہمیت تقریباً ختم کر دی تو لوگ ریڈیائی ڈرامے کی طرف متوجہ ہوئے، اور بہت مقبول ریڈیائی ڈرامے لکھے گئے۔ اس سے جہاں اردو میں ایک اور صنف کا اضافہ ہوا، وہیں لوگوں کو دلچسپی کا سامان بھی ملا۔ لوگ گھر بیٹھے ڈرامے کا لطف اٹھانے لگے۔ نتیجے میں ریڈیائی ڈرامے کو کافی مقبولیت ملی، اور بڑے بڑے فنکاروں نے اس صنف میں زور آزمائی کی۔ ریڈیائی ڈرامے کی وسعت کو رفت شروس اپنی کتاب براڈ کاسٹنگ میں یوں سمجھاتے ہیں، مگر ریڈیو اسکرپٹ کے علاوہ آواز اور صرف آواز ڈرامے کی ضرورت کے اعتبار سے بجلی کی کڑک، بادل کی گرج اور بارش کی آواز، صبح خرام، تیز رو دریا، ابلتے چشمے اور طوفان خیز سمندر کی لہروں کی آواز، چڑیوں کی چہچہاہٹ، ہاتھیوں کی چنگھاڑ، شیر کی دہاڑ، گھوڑے کی ہنہناہٹ، بکری کی میمے، بلبل کے نغمے، کوئل کی کوک، اور آواز چھکا چھک دوڑتی ہوئی ریل گاڑی کی، آواز فلک میں پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز کی، آواز سمندری جہازوں کی پرشکوہ روانی کی، آواز موٹر، بس اور شہر کی سڑکوں پر دوڑتے اور رینگتے ہوئے ٹریفک کی، آواز فنی ادراک اور کمال میں ڈھل کر ریڈیو ڈرامے کا حصہ بن سکتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اپنی تکنیک کے اعتبار سے ریڈیو ڈرامہ منفرد صنف فنون لطیفہ ہے۔ اردو زبان و ادب اپنے اوائل سے بڑی خوش نصیب زبان رہی ہے، اسے ہر دور میں ایسے خادم ملے جس نے اردو کی زرخیزی کو دنیا کے سامنے آشکارا کیا۔ جب جس صنف میں قلم اٹھایا اس کے ماہرین موجود تھے، یا کہیے کہ اس زبان میں اس صنف کو اس کے کمال تک پہنچانے کی صلاحیت موجود تھی، جسے اہل فن نے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ سب سے پہلے ان کا بیان جنہوں نے ریڈیو میں ملازمت کرتے ہوئے ریڈیائی ڈراموں کے زلف سوارے۔ کرش چند، سعد سن منٹو، راجن سنگھ بیدی، اپن ناتھ اشک، چودھری سلطان، شوکت تھانوی، عشرت رحمانی، کتار سنگھ دگل، اظہر افسر، ساغر نظامی، رفت شروش، ابوبکر آوارہ، محمد خالد آبدی جیسے ڈرامہ نگاروں کے نام آج بھی اردو زبان و ادب کی زینت ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن، پروفیسر شمیم حنفی، سراج انور، قمر جمالی بھوپالی، فیصل حسین، شین مظفر پوری، انتظار حسین نیوتنوی، ضیاء الاسلام، اویس احمد ادیب، خلیل احمد، شاغل ادیب، عظیم الدین احمد، مسز قمر جمالی حیدرآباد، وارث احمد خان، جمیل شیدائی وغیرہ نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کے بغیر ریڈیائی ڈرامے تحریر کیے اور مقبولیت حاصل کی۔ رہی بات قاری اور ڈرامے کے تعلق کی، تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اردو میں بہت سے ڈرامے پیشکش کی ضروریات اور باریکیوں کو نظر انداز کر کے لکھے گئے ہیں۔ اس قسم کے ڈراموں میں مقصدیت اور افادیت پر توجہ زیادہ دی گئی ہے، لیکن اسٹیج کی ضروریات کا خیال کم ہی رکھا گیا ہے۔
और ये महसूस होता है कि इन ड्रामा निगारों ने उन्हें महज पढ़ने के लिए ही लिखा है। इसके अलावा ऐसे ड्रामे जो स्टेज पर पेश किए जाने के काबिल नहीं हैं, उनके ड्रामा निगारों का ताल्लुक ड्रामा और स्टेज की दुनिया से नहीं था। दूसरे लफ्ज़ों में वो स्टेज के फ़न से लाइल्म थे। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात यानी सुपर क्रिएशन ऑफ गॉड है, उसके खालिक ने उसे कुछ इस तरह बनाया है कि वो किसी भी लम्हे को अपने जहन में रख सकता है और उसे अल्फाज के कालिब में या अमल की सूरत में पेश कर सकता है, क्योंकि नकल करना इंसान की फितरत में शामिल है और नकल में अक़ल और शऊर की कारफरमाई होती है। और ये सिर्फ बनी नौ इंसान का खासा है कि वो शऊर की दौलत से नवाजा गया है। चुनांचा ड्रामे की बुनियाद उस दिन पड़ गई जिस दिन इंसान वजूद में आया। ये अलग बात है कि उर्दू ड्रामे का बाकायदा आगाज़ 18वीं सदी में हुआ और इसके अज्ज़ा वगैरह को ख़ास तौर पर मुतय्यन किया गया। एशिया में ड्रामे की इब्तदा भारत में और यूरोप में यूनान में हुई। इसमें इख्तलाफ रहा है कि दोनों जगह में सबसे पहले कहाँ ड्रामे का आगाज़ हुआ। कुछ का दावा है मशरिक का और कुछ का दावा है मगरिब का, और दोनों के पास अपने अपने दलायल व शवाहिद हैं। बहरहाल अवध शाही दौर में उर्दू ड्रामे की असल बुनियाद पड़ती है। सुल्तान वाहिद अली शाह के दौर में फ़नून लतीफ़ा और शेर नगमा को ख़ास अहमियत हासिल रही। सैयद वक़ार अज़ीम कहते हैं, हमारे ड्रामे इस वक्त जो कुछ भी नज़र आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 बरस में बिखरा और संवर कर हम तक पहुँचा है। वाहिद अली शाह ने रहस्य लिख कर अमानत को उर्दू का पहला गनाइया यानी इंद्रसभा लिखने की राह सुझाई। एक अहम मंजिल या नाम आगा हशर कश्मीरी का है जो पुराने असर से अपना दामन महफूज रख सके, और फिर एक बड़ा नाम इम्तियाज़ अली ताज का, जिन्होंने अनारकली लिखकर पहली मर्तबा उर्दू ड्रामे की तारीख में एहसास फ़न की एक ऐसी लहर दौड़ाई जो एक नस्ल की नस्ल को अपने रौ में बहा ले गई। एक मजमूई अंदाज़े के मुताबिक हिंदुस्तान यानी बरसग़ीर हिंदो पाक में ड्रामे की रिवायत सही मानों में 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और अगर रामायण और महाभारत के उन हिस्सों को भी ड्रामे के आगाज़ की कड़ी तसव्वुर कर लिया जाए जिनमें जा बजा दिलचस्प और मानाखेज़ मुकालमे आते हैं, तो इससे भी ज़्यादा पुराना। हिंदुस्तान असातीर में नाटक यानी ड्रामे को ब्रह्मा की तख्लीकी क़ुव्वतों से मंसूब किया गया है, लेकिन इल्मी तहकीक ने जहाँ ये बात साबित की है कि संस्कृत के ड्रामों के फ़न में यूनानी ड्रामे के फ़नी अनासर मौजूद हैं, वहीं मुहक्किकीन इस तफसील को भी सामने लाने में कामयाब हुए हैं कि संस्कृत ड्रामे हिंदू मुआशरे की ज़रूरियात और मिजाज की पैदावार हैं, और इसमें फ़न की ऐसी जुज़ियात और नज़ाकतें मौजूद हैं जो यूनानी ड्रामे के इब्तदाई नक़ूश में मिलते हैं। ये हकीकत है कि जब सुल्तान वाहिद अली शाह ने रासलीला के तर्ज पर रहस्य की बुनियाद डाली जो शुरुआत में कृष्ण और राधा और गोपियों के नाच गाने तक महदूद थे, उन्हीं रहस्यों की पेशकश के दौरान उन्होंने अपनी एक मसनवी फसाना इश्क की तमसील भी पेश की जिसे उर्दू ड्रामे का सबसे पहला ड्रामा कहा जाता है, जो रहस्य या ओपेरा की शक्ल में पेश किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा मारूफ नज़रिए के मुताबिक अमानत के इंद्रसभा को उर्दू का पहला ड्रामा करार दिया गया है। इस सिलसिले में मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी, रामबाबू सक्सेना, मोहम्मद उमर नूर इलाही, सैयद बादशाह हुसैन, इशरत रहमानी, सैयद इम्तियाज़ अली ताज और डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी का नाम लिया जा सकता है। सैयद बादशाह हुसैन कहते हैं कि उर्दू ड्रामे की दागबेल अमानत के हाथों पड़ी थी। मुंबई में पारसी स्टेज ने ड्रामे का नया अंदाज कायम किया जिसकी इब्तदा खुर्शीद से हुई। इस तरह अमानत की इंद्रसभा और एदलजी खोरी का ड्रामा खुर्शीद संगमील की हैसियत रखते हैं। इंद्रसभा को आलमी पैमाने पर जगह जगह स्टेज किया गया। उसकी नकलें मुतअद्दिद बार शाया हुईं और मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में उसके तराजिम पेश किए गए। इंद्रसभा ने उर्दू ड्रामे को स्टेज फराहम किया और उस तर्ज पर कई ड्रामे लिखे गए, जैसे इंद्रसभा मदारी लाल, नागर सभा, जश्न परस्तान, राहत सभा, फर्रुख सभा, आशिक सभा, नेचर सभा, करजन सभा वगैरह। गोया के इंद्रसभा के तत्वों में कई सभाएं लिखी गईं। इसके बाद बंगाल में ड्रामे के नक़ूश मिलते हैं जो सदियों पर मुहीत हैं। अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने कदम जमाए
और 1756 में पहला थिएटर तामीर किया जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ी ड्रामे दिखाए जाते थे। एक रूसी फ़नकार लैम्बर्ट ने मगरबी ड्रामे अहले ज़बान की मदद से बंगाली ज़बान के कालिब में ढाल कर स्टेज करना शुरू किए, जिसका आगाज 27 फरवरी 1796 में हुआ। इशरत रहमानी बंगाल स्टेज का हाल कुछ यूँ बयान करते हैं। 1853 में जब इंद्र सभा की धूम अवध और उसके अजला में हुई, बंगाली स्टेज काफ़ी तरक्की कर चुका था। उर्दूदा तबके ने बंगाल के दारुल खिलाफा ढाका में उस ज़माने में उर्दू का ख़ास रिवाज हो चुका था। उर्दू तबके ने बंगाली स्टेज को देखकर इश्तियाक जाहिर किया कि उसी नौ की उर्दू तमसीलें भी जाहिर की जाएं। नवाबा ने ढाका और मुर्शिदाबाद के चंद अदब दोस्त मनचले लखनऊ पहुँचे और उन्होंने इंद्रसभा और दूसरे नाटक सभाओं के खेल देखे। उनका ज़ौक़ शौक बढ़ता गया। बहरहाल उन्हीं लोगों की कोशिशों से बंगाल में उर्दू स्टेज की बुनियाद पड़ी। इस तरह 1856 के अवायल में उर्दू स्टेज ढाका ही में नहीं बल्कि दूसरे बड़े शहरों और कस्बात में भी नज़र आने लगे। कई नई नई थिएटरिकल कंपनियां और छोटी छोटी नाटक सभाएं गश्ती थिएटर की शक्ल में मुख्तलिफ कस्बात का रुख करने लगीं। बंगाल में उर्दू ड्रामे की तरक्की में हर खित्ते, हर तबके, हर मज़हब के लोगों का अहम किरदार रहा। यहाँ के ड्रामों में शेख पीर बख्श का ड्रामा नागर सभा ने बड़ी मकबूलियत हासिल की। सबिस्तान आशिकी गरचे बंगाली ड्रामे का तर्जुमा है लेकिन उसे खुद नगेंद्रनाथ ने ही उर्दू में तर्जुमा किया, इसलिए इसे भी उर्दू ड्रामे में शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी एक तवील फहरिस्त पेश की जा सकती है। मुंबई में पारसी थिएटर का आगाज़ हुआ और 5-6 साल के अरसे में ही उर्दू स्टेज ड्रामों की सरगर्मियाँ बढ़कर उरूज पर पहुँचीं, जिसका आगाज़ 1853 से ही हो जाता है। यहाँ उर्दू ड्रामे ने अपना असल रंगो रूप इख्तियार किया और ख़ूब तरक्की की। पारसी थिएटर और इंद्र सभा के आगाज़ का ज़माना तकरीबन एक ही है। इशरत रहमानी के मुताबिक 1961 तक कमोबेश मुंबई में ही 19 पारसी थिएटरिकल कंपनियाँ कायम हो चुकी थीं जिनमें बेशतर उर्दू ड्रामे ही स्टेज करती थीं, जैसे अल्बर्ट नाटक मंडली, ओरिजिनल विक्टोरिया मंडली, पारसी नाटक मंडली, ईस्टर्न ड्रामेटिक सोसाइटी, शेक्सपियर नाटक मंडली, हिंदी नाटक मंडली वगैरह के नाम मारूफ हैं। पारसी ड्रामा निगार नसरवान जी मेहरवान जी आराम हैं, जिन्हें उर्दू का पहला ड्रामा निगार भी कहा जाता है। आराम के ज़्यादातर ड्रामे मंजूम शक्ल में हैं, जिनमें बेनज़ीर, बद्र मुनीर, किस्सा गुल सनोबर, लैला मजनू, आलमगीर, साथ ही शेक्सपियर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा मर्चेंट ऑफ वेनिस का जमा बख्श के नाम से पेश किया। उनके ड्रामों में बागो बहार, पद्मावत, लालो गुहर वगैरह भी काबिल ज़िक्र हैं। फिर रौनक बनारसी, हुसैनी मियाँ तारीख, हाफिज़ अब्दुल्ला और मिर्ज़ा नज़ीर बेग वगैरह हैं, जो गैर पारसी थे और पारसी थिएटर कंपनी से वाबस्ता थे। मज़ीद बरां तालिब बनारसी, अहसन लखनवी, बेताब, आगा हाशिर काश्मीरी वगैरह ने उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ में काफ़ी अहम रोल अदा किया। रौनक बनारसी ने तकरीबन 32 ड्रामे लिखे। लैला मजनू, बेनज़ीर, बद्र मुनीर, पूरन भगत, अंजाम उल्फत, फसाना अजायब, आशिक का खून, ख्वाबगाह इश्क, ख्वाब मोहब्बत वगैरह बहुत मशहूर हुए। हाफिज़ अब्दुल्ला अरबी और फारसी जानते थे। उनके मशहूर ड्रामों में अली बाबा 40 कज़ाक, शकुंतला, अलादीन, गुलबकावली, तिल्स में होशरुबा वगैरह अहम हैं। मिर्ज़ा नज़ीर बेग के मशहूर ड्रामों में फसाना अजायब, मारकए लंका, माहीगीर, रोमियो जूलियट और रुस्तम उल्फत वगैरह अहम हैं। तालिब बनारसी के ड्रामों में बकरम बिलास, चमन इश्क, लैलो नहार, निगाह गफलत, दिलेरो शेर, ख़जाने गैब, करिश्मा कुदरत और गोपी चंद शामिल हैं। अहसन लखनवी उस अहद के काफ़ी मारूफ ड्रामा निगार और मिर्ज़ा शौक़ के नवासे थे। 1897 में अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी से वाबस्ता हुए और यहीं शेक्सपियर के कई ड्रामों को उर्दू के कालिब में ढाला, जिनमें हेमलेट, रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस अहम हैं। इसके बाद अहसन ने कई अच्छे उर्दू ड्रामे लिखे, जिनमें चंदावली, नेक नियत, बज़्म फ़ानी, उर्फ गुलनार, फिरोज़ वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। पंडित नारायण प्रसाद बेताब दहलवी भी पारसी थिएटर के मशहूर ड्रामा निगार हैं। बेताब 1915 तक अल्फ्रेड कंपनी से मुंसलिक रहे। उनके मशहूर ड्रामे हुस्न फरंग, कसौटी,
कृष्ण अवतार, मयूर धवज, मीठा जहर, जहरी सांप, अमृत, फूट का फल, तौबा शिकन, गोरख धंधा, महाभारत, रामायण, सीता वगैरह बेहद अहम हैं। उर्दू ड्रामे में आगा हश्र कश्मीरी का नाम सबसे नुमाया है। वो कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, उनके दादा कश्मीर से बनारस आए। जहां आगा हश्र कश्मीरी की पैदाइश हुई, आगा हश्र ने तकरीबन 33 या 32 ड्रामे लिखे। 1901 से 1924 तक उन्होंने कई मशहूर मारूफ ड्रामे लिखे, जिनमें मुरीद शक, मारे आस्ती, मीठी छुरी, असीर हिज, शहीद नाज, खूबसूरत बला, सफ़ेद खून, सैद हवस, सिल्वर किंग, ख़्वाब हस्ती, यहूदी की लड़की वगैरह जो बेहद मकबूल हैं। आगा हश्र के ज़माने में फ़न ड्रामे में एक इनकलाब सा आ गया। उनके ज़ेर असर लिखने वालों में वहीदुन्नबी, हबीबुर्रहमान, प्रोफेसर शिबली इब्राहिम और राहत आरा बेगम वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने ड्रामे के फ़न को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया। पारसी थिएटर के ज़ेर असर लिखने वालों के बाद कई मुमताज़ ड्रामा नगारों के नाम आते हैं, जिनमें प्रोफेसर नियाज अहमद ख़ान अहम और मशहूर हैं। प्रोफेसर नियाज अहमद मौलाना आज़ाद कॉलेज से वाबस्ता थे। उन्होंने कई मशहूर ड्रामे लिखे, जिनमें टेढ़े मेरे रास्ते, द ईडन गार्डन, इकबाल और इकबाल और इबलीस वगैरह ड्रामे खासे मशहूर हैं। अनीस आज़मी के बकौल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बानी, हिदायतकार और जदीद हिंदुस्तानी थिएटर के रूह रवां और मेमार इब्राहिम अलकाज़ी ने बरसों ये कोशिश की कि उर्दू में खूबसूरत और बामकसद ड्रामे लिखकर उन्हें कौमी सतह पर स्टेज किया जाए। इस मकसद के तहत उन्होंने दुनिया के खूबसूरत ड्रामों के उर्दू में खूबसूरत तराजिम करवाए और फिर उर्दू ज़बान में तमाम तर लुजुमात के साथ खूबसूरत ड्रामों को स्टेज करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। इनमें से अक्सर तराजिम हैं, जिनमें से चंद के नाम इस तरह हैं: तुगलक, चेरी का बाग, रज़िया सुल्ताना, एडिपस, इंद्र सभा, बिरजेस कदर का कुंबा, गुड़िया घर, किंग लेयर्स, कंजूस, ट्राई की औरतें, एंटीगनी, ओथेलो, तीन पैसे का तमाशा, मुआवजे, कत्ल की हवस, बेगम का तकिया, गाजीपुर का हज्जाम, बाल बाल बचे, टोबा टेक्सिंग, कैद हयात, मशरक़ी हूर, यहूदी की लड़की, आज़र का ख़्वाब, दिन के अंधेरे में, परिंदों की महफिल, अज़ीज़ुन्निसा, उमराव जानादा, मिट्टी का घर और दुश्मन वगैरह करीब के दौर में उर्दू के वो ड्रामे हैं जो न सिर्फ बेहद मकबूल हुए बल्कि उनकी तारीखी अहमियत के एतबार से भी बहुत अहम हैं। उनकी तफसील अनीस आज़मी की किताब थिएटर और पारसी थिएटर और आगा हश्र कश्मीरी में इस तरह दर्ज है: सुरेंद्र गुलाटी के ड्रामे शाबाश, अनारकली, टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब, हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाज़ार, मेरे बाद, शतरंज के खिलाड़ी, देख रहे हैं नैन, सुरेंद्र वर्मा के ड्रामे छोटे सैयद बड़े सैयद और कैद हयात, असगर वजाहत के ड्रामे जिस लाहौर ने देखिया और अन्ना की आवाज़, शीला भाटिया का ड्रामा दर्द आएगा दबे पांव, एसएम मेहदी का गालिब कौन है, जावेद सिद्दीकी का तुम्हारी अमृता, सोनिया के नाम, कच्ची दीवारें और बेगम जान, भीष्म साहनी के ड्रामे हानोश, मुआवजे और कबीरा खरा बाजार में, शाहिद अनवर का गैर ज़रूरी लोग, रेवती सरन शर्मा का अंधेरे का बेटा, इसके अलावा बहुत से अहम और काबिल ज़िक्र नाम जिनकी कोशिशों, तराजिम और तजर्बों ने उर्दू के ड्रामों की शमा रोशन रखी, उनके नाम हैं: कुदसिया जैदी, मजनून गोरखपुरी, अतीक अहमद सिद्दीकी, सज्जाद जहीर, रज़िया सज्जाद जहीर, कादिर अली बेग, हज़रत आवारा, मुनीबुर रहमान, जे एन कौशल, बलराज पंडित, वसी खान, अनवर अजीम, नियाज हैदर, रणबीर सिंह, शाहिद अनवर, फजल ताबिश, जाहिदा जैदी, रंजीत कपूर, नादरा बब्बर, शमा जैदी, कैफ़ी आज़मी, सफदर हाशमी और अनीस आज़मी वगैरह के नाम अहम हैं। जहां उर्दू के कई नावल निगार और अफसाना निगारों ने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे, वहीं लातादाद अफराद ने अनगिनत दफ़ा उर्दू अफसानों को स्टेज और रेडियाई ड्रामे की शक्ल में पेश किया। मसलन
प्रेमचंद का अफसाना कफन, मंटू का टोबा टेक सिंह, इसमें चौथई का अफसाना चौथी का जोड़ा वगैरह। इस तरह के अफसानों का एक तफसीली जदवल तैयार किया जा सकता है जिसे रेडियो और स्टेज पर ड्रामाई शक्ल में पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस तफसील का ये महल नहीं है। बहरहाल पारसी थिएटर के बाद आज़ादी मिलती है, मुल्क तकसीम होता है और कई कामयाब ड्रामे लिखे जाते हैं और कई अफसानों को भी ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाता है। मोहम्मद हसन ने मुख्तलिफ असनाफ में तबाजमाई की और कई अहम मशहूर ड्रामे भी लिखे, जिनमें कोहरे का चांद, तमाशा तमाशाई, जहाक, मोर पंखी वगैरह काफ़ी अहम हैं। फिर सागर सरहदी के ड्रामों का मजमुआ ख्याल की दस्तक है, जिसमें हिंदुस्तान हमारा काफ़ी मकबूल हुआ। इसके बाद सैयद मेहदी, बिलकीस, ज़फ़रुल हसन, योगराज, जे एन कौशल, शीला भाटिया, जावेद सिद्दीकी, कमाल अहमद, नादरा जहीर बब्बर, जहीर अनवर, अनीस आज़मी, त्रिपुरारी शर्मा, इकबाल न्याजी, शाहिद अनवर, दानिश इकबाल, एम सईद आलम नए लिखने वालों में अहम हैं और स्टेज भी करते हैं। यूं तो आलमी सतह पर ड्रामे की तारीख 2000 साल पर मुहित है, जिसमें उर्दू ड्रामे का जिक्र सिर्फ एक सदी पर मुहित है। आज भी ड्रामा लिखने वाले हैं और उसे स्टेज करने वाले भी, लेकिन फिल्मों ने थिएटर पर काफ़ी असर डाला है। खुसूसन बोलती फिल्मों की आमद ने, लिहाजा इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, फेसबुक और व्हाट्सएप के दौर में बहुत कम अफराद ड्रामे से लुत्फानंदोज़ होने का ज़ौक़ रखते हैं। ज़माने की रफ़्तार के साथ अगरचे स्टेज ड्रामे की रफ़्तार धीमी हुई है या उसकी वो शान व आज़मत नहीं रही जो कभी थी, लेकिन आज भी लाखों ड्रामे स्टेज हो रहे हैं। गरचे उर्दू ड्रामे की तादाद उनमें कम है, लेकिन उर्दू ड्रामे के चाहने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले आज भी बहुत हैं। ये अलग बात है कि उर्दू ड्रामे की वो पारसी थिएटर वाली आन बान नहीं रही। आज की गुफ्तगु बस यहीं तमाम करते हैं, फिर मिलते हैं और किसी और मौजू पर बात करते हैं। शुक्रिया।